और बात कांग्रेस की, कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस नेता ब्लॉक और तहसील स्तर पर लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी आज प्रयागराज में रहेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष नकुल दुबे लखनऊ के अलग अलग ब्लॉक और तहसील में जाकर के कांग्रेस नेताओं के साथ मिलेंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाएंगे। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चला रही है। गांव गांव तक पहुंचने की कवायद है कांग्रेस पार्टी की। गांव गांव जाकर लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। देखिए, पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे। वो छात्र छात्राओं को सफलता के मंत्र देंगे, उनको टिप्स देंगे। प्रधानमंत्री आज छठवें संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करने वाले हैं। लखनऊ में सीएम योगी सैनिक स्कूल पहुंच करके कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ सीएम योगी बच्चों को पीएम मोदी के एग्जाम वॉरियर्स किताब भी बांटेंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटेंगे सीएम। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का समय सुबह लगभग 10 बजे बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण भी करने वाले हैं। अल्मोड़ा से खबर है, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बैठक की और इसको लेकर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड से 5500 स्कूलों के 16 लाख छात्र छात्राएं इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो धन सिंह रावत पहुंचे अल्मोड़ा, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर मीटिंग की। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ताल कटोरा स्टेडियम से शुरू करने जा रहे हैं 11 बजे और हमारे प्रदेश में 5500 स्कूलों में कार्यक्रम होगा। लगभग 16 लाख बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं, सब गार्जियंस भी रहने वाले हैं। सभी जनप्रतिनिधियों से भी मैंने निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम में वो जरूर भाग लेंगे और उत्तराखंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम आज तक का है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी को जो सम्मान दिया गया है वो भी हमें कबूल है, लेकिन नेताजी भारत रत्न डिजर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी ने सबके साथ इंसाफ किया, ऐसे में उन्होंने सर्वोच्च सम्मान उनको मिलना ही चाहिए, इसका समर्थन किया। जो पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है मुलायम सिंह यादव को, उसका भी उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो सम्मान उनको मिला है वो भी कबूल है, लेकिन भारत रत्न मिलता तो और अच्छा होता। ये नेताजी का देश के अंदर जो कद है, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया में पहचाने जाते हैं, उनकी विचारधारा पे लोग चलते हैं। नेताजी जैसा नेता शायद ही कोई आगे पैदा हो, ये यकीनी तौर पे भारत रत्न से सम्मानित करा जाना चाहिए था, लेकिन जो भी उन्होंने सम्मान दिया है उसका शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, सियासत में कुर्सी की लड़ाई तो होती ही रहती है, लेकिन गणतंत्र दिवस को के खास मौके पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दो बड़े नेता एक कुर्सी पर बैठने को लेकर एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। दरअसल लखनऊ में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को दूसरी कुर्सी पर बैठने के लिए भेज रहे हैं। मोहसिन रजा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इशारे करते हुए देखे जा रहे हैं, वीडियो आपके सामने है। और आखिरकार मंत्री दानिश आजाद को दूसरी कुर्सी पर बैठना ही पड़ता है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उसी वक्त ये इशारे चल रहे थे जो वीडियो में कैद हुआ। अब ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। कुर्सी पर बैठने को लेकर नेताओं के इशारे आप देख लीजिए, अक्सर कुर्सी की लड़ाई को आप देख रहे हैं, और सियासत में तो सारी लड़ाई जो है वो कुर्सी की होती है। मोहसिन रजा मंत्री दानिश आजाद अंसारी को इशारे देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि आप दूसरी कुर्सी पर बैठिए, और एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा वो इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको दूसरी कुर्सी पर बैठना है, और दानिश आजाद अंसारी को आखिरकार दूसरी कुर्सी पर बैठना ही पड़ा। और ये कार्यक्रम जान लीजिए, इसमें सीएम योगी की भी मौजूदगी थी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे, सीएम योगी को भी आप देख सकते हैं। उनकी मौजूदगी में मोहसिन रजा दानिश आजाद अंसारी को इशारा कर रहे हैं कि आप इस वाली कुर्सी पर बैठिए, ये वाली जगह मेरी है। कुर्सी पर बैठने वाला इशारा, नेताओं के इशारे, मोहसिन रजा दानिश आजाद अंसारी को कहते हुए इस वीडियो में आपको नजर आ रहे होंगे कि आप दूसरी कुर्सी पर बैठिए। बगल की कुर्सी पर बैठने को लेकर एक दो बार नहीं कई बार वो इशारे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी कुर्सी वो वाली है, ये वाली जगह उनकी है, और ये वीडियो अब लगातार हो रहा है वायरल। ये
अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।